फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विजेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज लीडर्स के बीच में इस वक्त बैठे हुए विजेंद्र सिंह, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी दावा तो ये कर रही थी कि मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी इस बीच अपनी हर एक सीट को लेकर कोशिश कर रही है। एक भी देश में ऐसा कोई सीट नहीं जहां सहयोगी पार्टी के अगर चेहरे भी उतरे हैं तो उनको लेकर भी उसी तरीके से मशक्कत। और आज इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, समीकरण ये बताया जा रहा था कि जाट बहुलता है मथुरा सीट को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी का ये एक एंगल हो सकता है, ये चेहरा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल विधिवत बीजेपी को ज्वाइन करते हुए आप देख रहे हैं इस वक्त बॉक्सर विजेंद्र सिंह को। फिलहाल तस्वीरों में पार्टी के दिग्गज चेहरे भी, संजय मयूख भी आपको नजर आ रहे हैं, तावड़े भी आपको नजर आ रहे हैं, और विजेंद्र सिंह इनकी मौजूदगी में आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इससे मजबूती मिलने वाली है क्योंकि जातीय जनाधार इस देश की सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसी पैमाने में विजेंद्र सिंह फिलहाल फिट भी बैठ रहे हैं बीजेपी के लिए। और मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि लोकसभा 2024 जिसमें बीजेपी का टारगेट है 370 और सहयोगी यानी एनडीए का टारगेट है 400+, तो 400+ कैसे होगा? 400+ करने के लिए बीजेपी हर उस सीट पर सर्वे करा रही है जहां उसको लग रहा है कि 2019 के चुनावी माहौल में परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं था, जीत हार का जो आंकड़ा है उसका मार्जिन बहुत कम था। तो ऐसी सीटों को लेकर, ऐसे चेहरों को लेकर लगातार मंथन, और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, फर्स्ट फेज के नामांकन की तारीख भी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी में आने वाले नेताओं का या मशहूर चेहरों का अभी भी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ये फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विजेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, अब इनको चुनाव कहां से लड़वाया जाएगा, किन किन शर्तों पे बातचीत फाइनल हुई है बीजेपी का, फिलहाल उन्होंने जो रंग है उस रंग में, भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, वो जो पार्टी का चिन्ह है कमल फूल का निशान वो पहनाते हुए फिलहाल, और ये गुलदस्ता भेंट करते हुए। तो मैं जिस बात पे फोकस कर रही थी एक बार उन्हीं को दोहराती हूँ कि बीजेपी किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है, और जिन भी चेहरों का प्रभाव है, जातीय जनाधार है या फिर वो युवा है या किसी खेल से ताल्लुक है, और ऐसे चेहरे फिट बैठ रहे हैं उसी तरीके से। मैं पर्टिकुलर एक सीट की बात कर रही थी कि ऐसी खबरें आ गई थी कि मथुरा से संभवतः इन्हें लड़वाया जा सकता है हेमा मालिनी के अगेंस्ट, लेकिन अब इस सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। अब खुद विजेंद्र सिंह, जिनको लेकर ये कयासबाजी चल रही थी, वो तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है और फिलहाल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब इस बीच में वो क्या कहते हैं ये सुनना दिलचस्प होगा। पार्टी के कुछ और जो चेहरे हैं वो भी इस वक्त बोलेंगे, तो हमें इंतजार है कि विजेंद्र सिंह को लेकर वो क्या कहते हैं, पहले सुनिए आप। सबसे शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरे तीन सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं, एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है, पीएफआई एसडीपीआई पर भाजपा शासित प्रदेश में प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल से, केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में
आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हाथ हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में सीपीआई के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं, और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे उनके विरोध में टीएमसी उम्मीदवार लड़ने वाली है, तो ये गठबंधन है या विघटबंधन है, इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है, कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए, उनका नहीं तो राहुल जी आपका, सोनिया जी का। क्या कांग्रेस को ये डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं, इसलिए विज्ञापन में ना सोनिया जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का फोटो आ रहा है? ऐसे तीन सवाल राहुल जी को मैं आज आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में मेडल जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। और उनके आने से और एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय की ओर, अपने टारगेट की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा माननीय विजेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। जी राम राम सभी को। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था, और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ़ है। जैसे हम बाहर यूके में फ़ाइट करने जाते थे, दुबई में फ़ाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फ़ाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल हो कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का।
और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंद्र हूँ और जो भी मेरे को लगे गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर क्या मिलेगा? तो फिलहाल विजेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, बड़ी बातें उन्होंने कही कि अब माहौल बदल चुका है, खिलाड़ियों का सम्मान अलग तरीके से होता है और बदले हुए माहौल में मेरी घर वापसी हुई है। लेकिन जो पहले समीकरण में आपको बता रही थी कि बीजेपी ने विजेंद्र सिंह को क्यों पार्टी ज्वाइन करा है, जाट बहुलता देखते हुए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में अगर चुनौती है तो विजेंद्र सिंह के आने से माहौल थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि युवा हैं, जनाधार हैं, जिस तबके से आते हैं उन लोगों पर भी बीजेपी का हालांकि पहले से प्रभाव है, लेकिन अब वो अलग माहौल में रहेंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी अमूमन हमने उनको देखा है, यानी आप ये कह सकते हैं बहुत करीब रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं कहते पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। तमाम जो ऑपोजिशन के नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है बीजेपी में क्या कमी लग रही है? जी मैं समझा नहीं, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे, कांग्रेस में क्या कमी आपको लग रही है? जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। आप आगे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, मोदी सरकार से? नहीं जी, हम देश सेवा करना चाहते हैं। सर आपने बीजेपी तो विजेंद्र सिंह को बीजेपी ने क्यों ज्वाइन करवाया, इन बातों पे मैं फिलहाल फोकस कर रही थी। हालांकि अभी वो पार्टी दफ्तर में ही हैं और एक एक करके उनका स्वागत भी हो रहा है, मीडियाकर्मी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी तस्वीर है वो बहुत खास तस्वीर है। दरअसल वो न्याय यात्रा की वो तस्वीर है जिसमें विजेंद्र सिंह दमखम के साथ राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कहां